हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेई मेन में पूछे गए डेफिनेट इंटीग्रल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम 2022 में पूछा गया था, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू डी एक्स बाय वन प्लस ई पावर एक्स ऑल इंटू साइन टू द पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू द पावर सिक्स एक्स। तो इसको आई मानते हैं, दिस इज आई, तो आई को फिर लिख सकते हैं, ये हम इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए एड करने से जीरो होगा, तो माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिर बनेगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू बनेगा डी एक्स बाय वन प्लस ई पावर माइनस एक्स साइन टू द पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू द पावर सिक्स एक्स। फिर दोनों ऐड करेंगे ये दोनों, तो फॉर टू आई होगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू डी एक्स बाय ये वन बाई वन प्लस ई पावर एक्स, वन बाई वन प्लस ई पावर माइनस एक्स से वन आएगा, बाकी के कॉमन है तो ये पोर्शन से वन आएगा। कैसे आएगा, वन बाय वन प्लस ई पावर एक्स, वन प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया ई पावर एक्स, ये हो गया वन, तो एलसीएम वन प्लस ई पावर एक्स हो गया, ऊपर में भी वन प्लस ई पावर एक्स होगा, तो ये वन बन जाएगा। तो नीचे रहेगा साइन टू द पावर सिक्स एक्स कॉस टू द पावर सिक्स एक्स। फिर ये साइन टू द पावर सिक्स एक्स कॉस टू द पावर सिक्स एक्स इवन फंक्शन है, वन बाय साइन टू द पावर सिक्स एक्स कॉस टू द पावर सिक्स एक्स, ये फंक्शन इवन फंक्शन है। और देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई टू ट्वाइस लिख सकते हैं। अब ये दोनों ओर से टू हटाएंगे तो आई इक्वल टू ये बनेगा, फिर एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई टू साइन टू द पावर सिक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स इज कॉस टू द पावर सिक्स, यहाँ से साइन टू द पावर सिक्स, तो ये भी हमारा एफ एक्स मिलेगा। तो पाई बाई टू माइनस जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस जीरो इज एफ एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे ट्वाइस, जीरो टू पाई बाई फोर डी एक्स बाय साइन टू द पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू द पावर सिक्स एक्स। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला लगाएंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला लगाने से क्या मिलेगा यहाँ से, सो यहाँ से हमको मिलेगा साइन टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू साइन टू द पावर फोर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर कॉस टू द पावर कॉस टू द पावर सिक्स फोर एक्स। यहाँ से वन मिलेगा, फिर इसको फिर बनाएंगे क्या, इसको फिर बनाएंगे वन बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर वहाँ से वन मिलेगा तो फिर बनेगा वन बाय वन माइनस, फिर इसको लिखेंगे फोर बाय थ्री साइन टू द पावर थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर साइन स्क्वायर टू एक्स। तो इसको इस प्रकार से ये बनाया जा सकता है, फिर ये यहाँ पे डालने से ट्वाइस फोर को ऊपर लिखेंगे जीरो टू पाई बाई फोर फोर डी एक्स डिवाइडेड बाय ये हो गया फोर, फोर को लिखेंगे फोर साइन स्क्वायर टू एक्स फोर कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर टू एक्स। फिर इसको कैलकुलेट करने से टू ये फोर को भी बाहर लेके आएंगे, टू लाएंगे बाहर जीरो टू पाई बाय फोर, फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे नीचे ऊपर तो होगा टू
sec square x, sec square 2x dx, और यहाँ पे हो गया 4 cos square से डिवाइड करने से यहाँ से मिल रहा है 1, तो tan square 2x ये बन गया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, लेट tan 2x इज z, therefore 2 sec square 2x dx इज dz, और लिमिट x इक्वल टू 0 होने से z इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू पाई बाय 4 होने से z इक्वल टू यहाँ पे पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, टेन पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, तो वो लगाएंगे तो i इक्वल टू बनेगा i इक्वल टू 4 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया dz, 2 sec square 2x dx इज dz, तो इसको dz लिखेंगे, इसको लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर इसको tan में लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाय 2 tan इनवर्स z बाय 2, लिमिट हो गया 0 टू इन्फिनिटी 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाय 2 माइनस 0, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई, तो फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर पाई होगा, इस प्रॉब्लम का आंसर पाई है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, इसमें माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 डी एक्स बाई 1 प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स और इवर साइन पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसको आई ले लिया, लेट आई इक्वल टू दिस, देयरफॉर सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 डी एक्स 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन होने से ये प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते एफेक्टिवली, तो इधर यहाँ पे लगाने से इवन पावर के कारण साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x होगा। अभी ये दोनों ऐड करने से द फॉर 2i इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ये पोर्शन हटेगा डी एक्स बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ये जो फंक्शन है इवेंट फंक्शन है, ये यहाँ पे माइनस डालने से भी सब इवेंट पावर है तो प्लस हो जाएगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 0 टू पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, दोनों ओर से 2 हटाएंगे तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 डी एक्स बाय ये बन गया 1 माइनस ये हो गया हाफ ऑफ साइन साइन स्क्वायर 2x, इसको 4 बाई 2 लिखेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 बनेगा ये बनेगा 2, तो इसको फिर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x 2 कॉस स्क्वायर 2x, तो वहाँ से बनेगा 2 dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x। अभी यहाँ पे नीचे ऊपर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा हमारा 0 टू पाई बाय 4 2 sec स्क्वायर 2x dx और tan स्क्वायर 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया है तो ये बन गया दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे,
वेरिएबल चेंज करेंगे और लिमिट लगाएंगे, लेट टेन टू एक्स इज जेड, देयरफॉर टू सेक स्क्वायर टू एक्स डी एक्स इज डी जेड, एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज जेड इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर इम्प्लाइज जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर आई इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी डी जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस रूट टू, रूट टू होल स्क्वायर, वो टू रूट टू हो गया, रूट टू होल स्क्वायर, उसको लिखेंगे वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू टेन इनवर्स जेड बाय रूट टू, लिमिट हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी डालेंगे तो पाई बाई टू होगा, वन बाई रूट टू इंटू पाई बाई टू और उधर जीरो, दैट मीन्स पाई बाई टू रूट टू, तो वो गिवन इंटीग्रल का वैल्यू पाई बाई टू रूट टू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री 2019 में पूछा था, लेट आई इक्वल टू जीरो पाई बाई सिक्स टू पाई बाई फोर, देखने में सेम है लेकिन इसका आइडिया डिफरेंट होगा, साइन टू एक्स टेन टू द पावर फाइव एक्स कॉट टू द पावर फाइव एक्स, इसको 10 में ले जाएंगे, सब सब चेंज करेंगे 10 में, पाई बाई सिक्स टू पाई बाई फोर टी एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन टू द पावर फाइव एक्स प्लस इसको लिखेंगे वन बाय टेन टू द पावर फाइव एक्स, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, नीचे ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टेन आएगा, ऊपर में सेक आएगा, पाई बाई सिक्स टू पाई बाई फोर, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, और ये टेन भी ऊपर चला जाएगा, टेन टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय नीचे में, नीचे में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे से टू टेन एक्स टेन टू द पावर फाइव एक्स होल स्क्वायर प्लस वन होगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, पाई बाय सिक्स टू पाई बाय फोर, ये फाइव पावर और ये एक हटा देंगे, हाफ होगा यहाँ पे, टेन टू द पावर फोर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय टेन टू द पावर फाइव एक्स होल स्क्वायर प्लस वन। अब वेरिएबल चेंज करेंगे, लेट टेन टू द पावर फाइव एक्स इज जेड, तो फाइव टेन टू द पावर फोर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी जेड, जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू पाई बाई सिक्स, एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स इम्प्लस जेड इक्वल टू टेन पाई बाई सिक्स इज वन बाई रूट थ्री, तो होगा वन बाई नाइन रूट थ्री, फिर पाई बाई फोर होने से जेड इक्वल टू वन होगा। सो ये सब्स्टिट्यूशन इधर डालने से क्या होगा, हाफ, तो डिजिट इसका मतलब डिजिट बाय फाइव, तो वन बाय फाइव लिखते थे बाहर, लिमिट हो गया था वन बाय नाइन रूट थ्री टू वन डिजिट बाय जेड स्क्वायर प्लस वन, टेन टू द पावर फाइव एक्स मतलब जेड है, जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन बाय टेन, टेन इनवर्स जेड, लिमिट हो गया वन बाय नाइन रूट थ्री टू वन, वन बाय टेन, टेन इनवर्स वन इज पाई बाय फोर माइनस टेन इनवर्स वन बाय नाइन रूट थ्री। तो फिर ये प्रॉब्लम का आंसर वन बाय टेन इंटू पाई बाय फोर माइनस टेन इनवर्स वन बाय नाइन रूट थ्री है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म।